ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, सावन मास में मैं आपके लिए लाई हूँ शिव महापुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ आप पर प्रसन्न होंगे और आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ जरूर लिखें। बंधुओं, मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया कि ब्राह्मण पत्नी ने माँ पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश किस प्रकार दिया। बंधुओं, वही मैं आगे भी बताने जा रही हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह एंचा तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सूरी होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सोत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी टेढ़े मुंह वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है, वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की तीन तीन पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया तथा आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्य ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है, भार्य ही सुख का मूल है, भार्य से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्य ही संतान की वृद्धि में कारण है। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं हैं? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्य से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भार्यहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास बनाती है जैसे जरा अवस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पति देव उमा और महेश्वर के समान है, अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा है और
पति तप है और स्त्री क्षमा, नारी सत्कर्म है और पति उसका फल। शिवे, सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य है। गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रता धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नता पूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से चार प्रकार की मानी गई हैं। जो अपना स्मरण करने वाले पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं, उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा, ये पतिव्रता के चार भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्रे, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजे, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई, पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके व्यभिचार नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निमन श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से व्यभिचार से बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टा अथवा निमनतम कोटि की पतिव्रता बताया है। शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोकों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र बनाने वाली हैं। अत्रे की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना से पतिवृत्य के प्रभाव का उपभोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नता पूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभिष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आशय ले मैंने तुम्हें सती धर्म का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्माने ने देवी पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने के बाद मेना को बुलाकर कहा, महारानी जी, अब अपनी पुत्री की यात्रा कराइए, इसे विदा कीजिए। तब बहुत अच्छा कहकर वे प्रेम के वशीभूत हो गई। फिर धैर्य धारण करके उन्होंने काली को बुलाया और उसके वियोग के भय से व्याकुल हो वे बेटी को बारम्बार गले से लगाकर अत्यंत उच्च स्वर से रोने लगी। फिर पार्वती भी करुणा जनक बात कहती हुई जोर जोर से रो पड़ी। मेना और शिवा दोनों ही विरह शोक से पीड़ित हो मूर्छित हो गई। पार्वती के रोने से देव पत्नियां भी अपनी सुधबुद खो बैठी। सारी स्त्रियां वहां रोने लगी, वे सब की सब अचेत सी हो गई। उस यात्रा के समय परम प्रभु साक्षात योगेश्वर शिव भी रो पड़े। फिर दूसरा कौन चुप रह सकता था। इसी समय अपने समस्त पुत्रों, मंत्रियों और उत्तम ब्राह्मणों के साथ हिमालय शिखर वहां आ पहुंचे और मोहवश अपनी बच्ची को हृदय से लगाकर रोने लगे। बेटी, तुम मुझे छोड़कर कहां चली जा रही हो। ऐसा कहकर सारे जगत को सुना मानते हुए वे बारंबार विलाप करने लगे। तब ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ पुरोहित ने अन्य ब्राह्मणों के सहयोग से कृपा पूर्वक अध्यात्म विद्या का उपदेश देते हुए सबको सुखद रीति से समझाया। पार्वती ने भक्ति भाव से माता पिता तथा गुरु को प्रणाम किया। वे महामाया होकर भी लोकाचार वश बार बार रो उठती थी। पार्वती के रोने से ही सब स्त्रियां रोने लगती थी। माता मेना तो बहुत रोई, भौजाइयां भी रोने लगी। यही दशा भाइयों की थी। शिवा की माँ, भाभियां तथा अन्य युवतियां बार बार रोदन करने लगी। भाई और पिता भी प्रेम और सौहार्दवश रोए बिना ना रह सके। उस समय ब्राह्मणों ने मिलकर सबको आदर पूर्वक समझाया और यह सूचित किया कि यात्रा के लिए यही सबसे उत्तम और सुखद लगन है। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।